हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी का इंट्रोडक्शन। कहानी का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का नाम बता देती हूँ। तो ये जो कहानी है उसका नाम है योर अनफॉर्चुनेट लव। अब शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ये इश्क का रंग लाल होता है और नफरत का काला, और जब इन दोनों रंगों को साथ मिला दिया जाए तो खून का रंग बन जाता है। इश्क और नफरत का मेल बहुत दर्दनाक है। इस मेल का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अक्सर कहानियों की शुरुआत में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। ऐसा ही एक प्रेम ओबेरॉय था जिसे प्यार, इश्क, मोहब्बत इन सारे शब्दों का मतलब नहीं पता था। उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं थी। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसी लड़की आती है जो प्रेम के इन सारे विचारों को बदल देती है। एक ऐसी लड़की जिसे पहली नजर में देखते ही प्रेम को उससे मोहब्बत हो जाती है। कितनी हसीन रात थी वो जब दुर्गा पंडाल में ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। मानो ऐसा हो कि दुर्गा माँ खुद आशीर्वाद दे रही हो इन दोनों को। प्रेम नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, पर उसके ऊपर एक जुनून सवार था कि वो किसी भी हाल में इस लड़की को ढूंढ कर रहेगा। उस काम को आसान बनाने के लिए प्रेम अपने पिता से भी मदद लेता है जो कि कोलकाता के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। प्रेम के सर इश्क का जुनून सवार था, पर वो इस बात से अनजान था जिस लड़की से मिलने के लिए वो इतना बेकरार था। उस लड़की को मौत ने आज से 20 साल पहले गले लगाया था। जिस लड़की की तलाश थी वो तो आज से 20 साल पहले ही मर चुकी थी। वो कौन थी जिससे प्रेम उस पंडाल में मिला था? ना ही तो वो कोई भूत थी, ना ही प्रेम का कोई बुरा सपना। वजूद ना होकर भी उसका वजूद था। और इस कहानी में एक ऐसा इंसान भी था जो परख चुका था कि अब दोहराने वाला 20 साल पुराना एक काला किस्सा था। क्या हुआ था ऐसा आज से 20 साल पहले जो अब फिर दोबारा अपने आप को दोहराने वाला था? कौन थी ये लड़की, और ये जिंदा भी थी या मर चुकी थी? क्या प्रेम के प्यार को कभी जीत हासिल होगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव।